हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, चलिए देखते हैं। ये हमने लिया है मसाले में हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और मेथी तड़का देने के लिए। सब्जी में ली हूँ आलू और ये हमने कद्दू लिया है, ये बैंगन, ये पत्ता गोभी और ये मटर लिया है और ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने इसे टुकड़े में काट लिया है। और कच्चे मसाले में लिया है हमने लहसुन, 4 से 5 मिर्ची, प्याज, एक टुकड़ा अदरक का और जीरा। कच्चे मसाले को हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमने एक टमाटर लिया है जिसको हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी जो हमें तड़के में लगानी है। और ये हमने टमाटो का पेस्ट बना लिया है और ये प्याज का दरदरा कूट लिया है। तड़का हमारा जल गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पेस्ट लहसुन प्याज का, इसको भी भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ये हमारा पेस्ट ब्राउन हो चुका है, इसमें मसाला ऐड कर देंगे, इसको भी हल्का चला देंगे। और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, इसको भी भून लेंगे ब्राउन होने तक, जब तक तेल ना छोड़ने लगे तब तक भूनेंगे। मसाले के साथ ऐड कर देंगे मटर जो हमने छील के रख लिए है धुल के, क्योंकि ये जल्दी गलती नहीं है। पहले मटर को गला लेंगे, फिर इसके बाद और सब्जियां ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, सब्जी को एक बार और देख लेंगे, देखेंगे हमारी मटर कुक हो गई है कि नहीं। अभी थोड़ा कच्ची है, इसमें इसको 1 मिनट तक और हम ढक देंगे। 1 मिनट हो चुका है, हमारी मटर कुक हो गई है, पेस्ट भी बढ़िया हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आलू और कद्दू। थोड़ा इसको भी कुक कर लेंगे। से 2 मिनट तक। अब इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और ये बैंगन। आप इसके साथ और भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे गाजर है, गोभी है, लौकी है, सब मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही यूज कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं पत्ता गोभी। इसको भी मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से चला दिया है सब्जी को। अब इसको हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट तक। 1-2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, सब्जी हल्की सी हमारी गल चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हल्का सा पानी,
हमको ज़्यादा जूस वाली सब्जी नहीं बनानी है, गाढ़ी सब्जी बनानी है। बस इतना पानी रहने देंगे और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ढक देती हूँ और पकने तक इसको हम कुक करेंगे। फ्रेंड्स सब्जी की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारी सब्जी हो गई है कुक, हुई कि नहीं हुई। देखिए फ्रेंड सब्जी हो चुकी है, एक दो मिनट और लगेंगे, अभी आलू हल्के कच्चे हैं और सब्जी हमको ऐसे ही बना रही है, थोड़ा हल्की गाढ़ी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको एक दो मिनट के लिए और ढक देते हैं। सब्जी पक रही है, उसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। इसको मिक्स कर देंगे। आप इतना गाढ़ी ही बना सकते हैं और भी थोड़ा थिक बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सूखी ही बनाएं, हल्की लुटपुटी सब्जी काफ़ी अच्छी होती है, जिसका मन करे चावल से भी खा सकता है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स सब्जी आपका बनकर रेडी है, आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स मेरी वीडियो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके बाय बाय, टेक केयर।